अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। मैं जानता हूं सारा देश सारी दुनिया इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि खुशियों की महफिल कब शुरू होगी। तो भाई आपका इंतजार समाप्त हो गया है, प्रतीक्षाएं खत्म हो गई और मैं आ गया हूं आपके बीच में कहने के लिए वाह भाई वाह। जिंदगी में एक्सप्रेशंस जो होते हैं बड़ा काम के होते हैं, जो आपके चेहरे पे भाव आते हैं। अब एक्सप्रेशन आदमी जब बात करता है उसमें अलग होते हैं, जब बात नहीं करता तब अलग होते हैं। अब वैसे लड़कियां चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, किसी भी नाम से फोन में फोन नंबर सेव कर ले, लेकिन एक्सप्रेशन से पता चल ही जाता है कि फोन बाबू का है या बाबूलाल का। चेहरा बता ही देता है। अब कई लोग एक्सप्रेस करते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं। जैसे बैंक में एक आदमी काम करता था, उसने ग्राहक के साथ बदतमीजी कर ली, तो मैनेजर ने बोला जरा गौरव जी हमारे कितने पुराने ग्राहक हैं, तुमने उनके साथ बदतमीजी की है, कल फोन करके माफी मांगो, वापस तुरंत तभी माफी मांगो। ठीक है साहब, उन्होंने फोन लगा, गौरव जी बैंक से बोल रहे हैं, हमने कल आपको कहा था भाड़ में जाओ अब मत जाना। ये कोई तरीका हुआ? अब कुछ लोग बेचारे उनके जीवन में एक्सप्रेशन आते ही नहीं है क्योंकि वो इतने सिंगल होते हैं, इतने अकेले होते हैं कि फोन में जान भी टाइप कर देना तो ऑटो करेक्ट से जापान हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए? ऐसे लोग बड़े नटखट होते हैं और हमारे बीच में तीन ऐसे ही लोग बैठे हैं जो अपने अपने किस्म से बड़े नटखट हैं। एक तो नाम से ही नटखट है। ये देवेंद्र नटखट हैं जो झांसी से आए हैं हमारे बीच में और कमाल के कवि हैं, जब आप सुनेंगे तो मजा आएगा। एक है जो अपनी फितरत से नटखट है, आदतों से नटखट है, नाम इसका गौरव चौहान है, जो इटावा से हमारे बीच में आता है और बीच में वो बैठी है जिनकी वजह से लोग नटखट हो जाते हैं। इनका नाम सपना मूलचंदानी है, ये अजमेर से हमारे बीच में आई और क्या शेर कहती है। हमारे आज के इस खास एपिसोड में एक विशेष मेहमान है और उन्हें बुलाते हुए मेरे भीतर भय भी है, मान भी है, आदर भी है और ये भाव भी है कि क्यों। इन दिनों एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की वो डायरेक्टर हैं, एक लेखिका हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत सारे मानों में वो मेरी गुरु हैं। मैंने जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो आज के हमारे इस विशेष एपिसोड में हमारे विशेष मेहमान को हम बुलाने जा रहे हैं बहुत आदर और सम्मान के साथ, लेकिन उसके पहले देखते हैं ये झलक। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए। पहले जा। आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर स्वाति लोढ़ा, वाह भाई वाह के इस विशेष एपिसोड में। मैम कैसा लग रहा है आपको आके यहाँ पे? ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि
क्योंकि आप परिवर्तन तो इनमें देख रहे हैं, मैं तो जैसी हूँ वैसी ही हूँ, पर आज जनाब ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी अच्छे कलाकार होने का ही नतीजा है कि वो इतना अच्छा एक्ट कर पा रहे हैं। अब डर की अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम डरने की एक्टिंग कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम डर की एक्टिंग कर रहे हैं। देखिए किस्सा कहां तक आ गया है, इन्हें क्या मालूम हम किस तरह खड़े हैं, हमारा जी हलक तक आ गया है। तो वाह भाई वाह, में आपका स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको आज एंजॉय करेंगे। हमारे तमाम बड़े ज़बरदस्त कवि यहाँ पे उपस्थित हैं। आपने हिंदी कविताओं से स्वयं शुरुआत की थी और मुझे लगता है कि आज आपके आने से, आपके होने से, और आप इन्हें सुनेंगी पूरी दुनिया के लिए, ये जो कहेंगे उसमें आप इन्हें सुन के बड़ी आनंदित होंगी, मुतासर होंगी, रसिक्त होंगी। कुछ कहना है आपको, मैं इससे पहले कि आपको अपने आसन तक लेके जाऊँगा। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ और एक कवियत्री के नाते बहुत खुश हूँ, क्योंकि जैसा अभी मेरे परिचय में कहा गया कि मैंने लिखने की शुरुआत कविता से की थी। और मैं अक्सर ये कहती हूँ कि मैंने कविता तब तक लिखी जब तक हमारी बेटी पैदा नहीं हुई थी। उसके पैदा होने के बाद मैंने लगभग 18 साल तक कोई कविता नहीं लिखी, क्योंकि मैंने सिर्फ उसे लिखा। क्या बात। और अब मुझे लगता है कि मैं फिर से थोड़ा बहुत हिंदी कविता लिखना फिर से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि कविता लिखने के लिए जितना इमोशन, जितना संवेदना चाहिए उसकी ज़रूरत मुझे लगा कि बीच में मैं उतना नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी एक व्यक्ति है जो बहुत मसरूफ़ रहते हैं, और उनकी कमी को पूरा करने के लिए उतनी संवेदना शायद जुटा पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता था। लेकिन यकीनन यहाँ आने के बाद हो सकता है कि मेरी वापसी जो है एक कविता की तरफ हो जाए। तो शुक्रिया वाह भाई वाह टीम का, जिनके इसरार पर मैं यहाँ हूँ। और यकीनन शैलेश जी के लिए ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी शिरकत उनके साथ मंच पर नहीं करती हूँ, तो ये शायद पहला मौका होगा। आज भी मैम आप साथ नहीं हैं, मैं एक होस्ट हूँ, आप हमारे विशेष मेहमान हैं। आपका कद, आपका पद और आपकी हद हमेशा हमसे ज्यादा रहेगी। धन्यवाद, आपने मुझे मेरी जगह बता दी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। और यकीनन मैं इस टीम का आभार व्यक्त करती हूँ जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। थैंक यू सो मच मैम। कि दिल का राज खोलो, वो कहते हैं कि दिल का राज खोलो, शेर के पिंजरे में डाल के मुझे कहा जाता है कि अब बोलो। तो अब मैं क्या बोलूं, अब तो यही बोलेंगे जो यहां बैठे हैं, और आज मैं भी उनको सुनूंगा। तो हमारे साथ है गौरव चौहान, देवेंद्र कटखट और सपना मूल चंदानी। तो जोरदार तालियों के साथ हम सबसे पहले बुलाते हैं देवेंद्र कटखट, जोरदार तालियों के साथ। अभी अभी 5G लॉन्च हुआ दोस्तों। क्या है 5G? एक से शादी, दूसरे से प्यार, एक से शादी, दूसरे से प्यार, तीसरा शिकार, चौथा जान देने को तैयार। अच्छा, एक से शादी, दूसरे से प्यार, तीसरा शिकार, चौथा जान देने को तैयार, और पांचवा पति उसकी हर शर्तों पर सेट है। तेरा दिल है कि 5 कमरों का फ्लैट है, तेरा दिल है कि 5 कमरों का फ्लैट है, तेरा दिल है कि 5 कमरों का फ्लैट है। दोस्तों स्थितियां बदली, कविताएं बदल गईं। युवा खेल महोत्सव के दौरान आज का हमारे मेहमान बहुत बड़ी शिक्षाविद हैं, तब कहता हूं कि युवा खेल महोत्सव के दौरान खेल मास्टर ने लड़के और लड़कियों को खो खो का खेल खिलाया। अच्छा, खो खो का खेल, खो खो पर ध्यान रखना दोस्तों। हाँ। युवा खेल महोत्सव के दौरान खेल मास्टर ने लड़के और लड़कियों को खो खो का खेल खिलाया।
परिणाम एक सप्ताह बाद आया, परिणाम एक सप्ताह बाद आया कि खेल खिलाड़ियों में ऐसे बीज बो गया कि एक एक लड़का एक एक लड़की में खो गया। बहुत अच्छे, खो गया खो खो के खेल में, खो खो का खेल खिलाया, परिणाम एक सप्ताह बाद आया कि खेल खिलाड़ियों में ऐसे बीज बो गया कि एक एक लड़का एक एक लड़की में खो गया और उनके ज्ञान चक्षु जाग गए, 15 दिन में सारे स्टूडेंट भाग गए। 15 दिन में सारे स्टूडेंट भाग गए। प्रिंसिपल साहब ने जांच की, प्रिंसिपल साहब ने जांच की तो पाया कि इस खेल का सर बेजोड़ है, नायब है, खेल मास्टर खेल मास्टरनी के साथ गायब है। खेल मास्टर, बहुत अच्छे, वाह देवेंद्र भाई वाह, खेल मास्टरनी के साथ गायब है। स्थितियां बदलती हैं साहब, पहले जो कवि लिखता था वो समाज का दर्पण होता था, आज जो हम लिख रहे हैं वो समाज का अल्ट्रासाउंड है। वाह वाह वाह, अच्छी बात है, वाह। सुनाता हूँ कि महिला पहलवान ने पुरुष पहलवान को पछाड़ा, मार दिया मैदान जीत लिया खाड़ा, मार दिया मैदान जीत लिया खाड़ा, और ये देखकर उस्ताद जी का खोपड़ा खप्त हो गया, ये देखकर उस्ताद जी का खोपड़ा खप्त हो गया कि एक मिनट में लंगोटे जब्त हो गया। साला सारे दाव पेच भूल गया, और मुर्दे की तरह बाहों में झूल गया। आए हाय, आए हाय, मुर्दे की तरह बाहों में झूल गया। उस्ताद जी ने कहा, क्यों रे पहलवान तुझे सामने वाले पहलवान में क्या कोई शेरनी या हथनी नजर आई थी? वो बोला, नहीं नटखट जी, सामने खड़ी मुझे मेरी पत्नी नजर आई थी। वाह ये पत्नी की कविता आपको आज ही सुनानी थी देवेंद्र नटखट जी, किसी और दिन के लिए बचा नहीं सकते थे। मिलना आप मुझे शो के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा मैम आपको? जी आपका टाइमिंग कमाल का था कि आपने आपके जो होस्ट हैं उनको भी आज लाजवाब कर दिया, तो आपका टाइमिंग कमाल था, आपकी सोच कमाल की है और आपकी खोज कमाल। अब क्या कहें, हम चाहते नहीं पर यूं भी कभी खराब हो जाते हैं, हम चाहते नहीं पर यूं भी कभी खराब हो जाते हैं। जवाब तो हजारों हैं जहन में पर कुछ लोगों के सामने जानबूझ के लाजवाब हो जाते हैं। दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। चैनल वालों, ये तुमने किस जन्म का बदला मुझसे निकाला है? वो आदमी जो सारी दुनिया में अपने अल्फाज की वजह से जाना जाता है, वो आदमी जो अपने लफ्जों की वजह से लोग कहते हैं दिलों में उतर जाता है, आज उसकी हालत देखो। क्या बताऊं, मुझे नहीं मालूम था। मैं सोचता था कि बुद्धिमान हूं मैं, लेकिन इतना बेवकूफ आज ये जहीन हो गया। पहली बार ऐसा हुआ कि भीड़ में आदमी क्वारंटीन हो गया। और आइए बढ़ते हैं वहां के, बुलाते हैं उसे, गौरव चौहान। यूं तो मूलतः वीर रस के कवि हैं, लेकिन गौरव चौहान एक ऐसे कवि हैं जो तत्काल विषयों पे लिख देते हैं, और गौरव चौहान एक ऐसे ही प्रतिगीत लेके हमारे बीच में आए हैं, और मैं चाहता हूं कि गौरव चौहान आए और हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। गौरव चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश जी, मुख्य अतिथि को प्रणाम करता हूं।
बहुत देर तक मैं कंफ्यूज रहा कि आप दोनों कौन हैं, मतलब आपस में कौन हैं। लेकिन जैसे ही सर ने आपको दंडवत प्रणाम किया, मैं समझ गया आप इनकी पत्नी ही हो सकती हैं। सर बहुत दबी दबी जवान में तब से बोल रहे हैं सर, लेकिन मैं आपके अंदर की पीड़ा को मैं गाना चाहता हूं। अबे अपनी खुद की पीड़ा को मेरे नाम पे मत बोल। दुनिया में कोई सौभाग्यशाली होगा जिसकी पत्नी से लड़ाई ना होती हो, और कुछ पति तो ऐसे होते हैं जिनकी इतनी लड़ाई होती है कि उनके सपने तक बदल गए। हाँ। सुनिएगा एक गीत। सपने में लड़ती है ओ बीवी मेरी, सपने में लड़ती है, सपने में लड़ती है ओ बीवी मेरी, सपने में लड़ती है। सारा सारा दिन मैं काम करूं, सारा सारा दिन मैं काम करूं, वो मेकअप करती है। सपने में लड़ती है ओ बीवी मेरी, सपने में लड़ती है। क्या बात है, अरे बहुत बढ़िया। 90 किलो वेट है, उठती वो लेट है, 90 किलो वेट है, उठती वो लेट है, बेड पे अकड़ती है ओ बीवी मेरी, ओ बीवी मेरी। जग से छुपाऊं मैं, साथ ना ले जाऊं मैं, जग से छुपाऊं मैं, साथ ना ले जाऊं मैं, काला धन लगती है ओ बीवी मेरी, ओ बीवी मेरी। रात खाना खाए फिर भी ना पेट भरे, भेजा मेरा चरती है, सपने में लड़ती है ओ बीवी मेरी, सपने में लड़ती है। कहने को जान है टेंशन की दुकान है, कहने को जान है टेंशन की दुकान है, बक बक करती है ओ बीवी मेरी। चार चार भाई हैं, लगते कसाई हैं, चार चार भाई हैं, लगते कसाई हैं, मुझसे न डरती है ओ बीवी मेरी। रील्स ही बनाती रहे, स्टोरी लगाती रहे, चैटिंग करती है, सपने में लड़ती है ओ बीवी मेरी। और इनके गुण क्या होते हैं, दूधिया भी तंग है, सब्जी वाला तंग है, दूधिया भी तंग है, सब्जी वाला तंग है, चिक चिक करती है ओ बीवी मेरी। मेरी एक साली है, रूप की निराली है, मेरी एक साली है, रूप की निराली है, उससे भी जलती है ओ बीवी मेरी। काम वाली बाई जब झाड़ू को लगाए, बीवी मुझको ही तकती है, सपने में लड़ती है ओ बीवी मेरी। इतना सुनकर पत्नी को गुस्सा आया, उसने पति को एक घूंसा मारा। पति अपनी सूजी आंख लेकर घर के दरवाजे पर आया, ऑलरेडी वहां पर उनका शरारती पड़ोसी खड़ा था, मजे लेने लगा और घूर के उसको देखने लगा। तो उस पिटे हुए पति ने उस पड़ोसी से कहा, चेहरा क्या देखते हो, बीवी से पिटकर देखो ना, बीवी से लड़कर देखो ना, चेहरे का नक्शा बदल जाएगा, पूरा कचूमर निकल जाएगा। सन्नी की फिल्म में क्या रखा है, घर का कदर देखो ना। इसके बाद उसकी आंखें खुल गई, वो कॉलोनी के चौराहे पर आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, बिगड़े नहीं ये चेहरा, घायल ना हो आंखें, बिगड़े नहीं ये चेहरा, घायल ना हो आंखें, दुनिया के सारे पतियों से मेरी है दरकार, पत्नी को पूजा करिए ये है दुर्गा अवतार, पत्नी को पूजा करिए ये है दुर्गा अवतार, ये है दुर्गा अवतार। वाह गौरव, वाह वाह बढ़िया।
डॉक्टर स्वाति लोढ़ा कुछ कहना चाहती हैं गौरव चौहान को सुनने के बाद? आप, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आपकी पत्नी ये देखेंगी तो उसके बाद आपको घर ही जाना है ना। तो जी, पत्नी को देख के ही लिखा है। आपने पत्नी को देखकर लिखा तो है, लेकिन अब पत्नी सुनने के बाद क्या दिखाएंगी वो देखिए। एक जमाने में आप हिंदी कविताएं लिखती थी, अब आप अंग्रेजी की लेखिकाएं बहुत मशहूर और अंग्रेजी लिखती हैं और अंग्रेजी में सोचती हैं, ऐसा मैं जानता हूं। लेकिन आपकी हिंदी कविता की एक पंक्ति अगर आप सुनाएं इस रिश्ते पे, जो आपने एक पंक्ति की एक कविता लिखी थी जहां तक मुझे याद है। शैलेश जी का इशारा सिर्फ उसी पंक्ति की तरफ है जो मैंने उनके लिए लिखी थी। मैं वैसे भी बहुत छोटी कविताएं लिखती हूँ, काफी छोटी, तो वही दो पंक्तियां आप ही के लिए कह देती हूँ। तेरी हर समस्या का कारण भी मैं, तेरी हर समस्या का कारण भी मैं, तेरी हर समस्या का निवारण भी। क्या बात है भाई, हमारी कमाल की महफिल। आज हमारे खास मेहमान डॉक्टर स्वाति लोढ़ा, जो एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका और शिक्षाविद और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो हमारे बीच में है। और हमारे साथ सपना मूलचंदानी, देवेंद्र नटखट और गौरव चौहान हैं। कैसा लग रहा है आपको आज के एपिसोड में आके डॉक्टर स्वाति? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जिस तरीके से सभी की कविताएं पत्नियों की तरफ मुड़ गई हैं वो देख के तो और भी अच्छा लग रहा है जी। इसमें मेरी कोई चाल नहीं है जी। मैंने इन्हें कुछ भी नहीं कहा था, मैंने कहा था तुम्हें सुनाओ, नहीं सच सच बताओ, माइक लो आते, मैंने कहा था सुनाओ। नहीं सर, आपने कुछ कुछ भी नहीं कहा था। इसके आगे बोल ही मत। मैंने कहा था सुनाओ। क्या बताओ यार देवेंद्र भाई। नहीं 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 ना, देखो मैंने नहीं कहा, मैंने कतई नहीं कहा कि ऐसा कुछ सुनाओ, और मैं ऐसा कह ही नहीं सकता। मैं बहुत ईमानदारी से आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने जिंदगी में पत्नी का मजाक उड़ाने वाली कोई कविता नहीं लिखी, क्योंकि मुझे ऐसा कभी मौका मिला ही नहीं। पत्नी के ऊपर सिर्फ चुटकुले ही सुनाए जाते हैं। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, बहुत ईमानदारी से, मैं डॉक्टर स्वाति लोढ़ा का, अगर आप मुझे कहें कि दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान मैं किसका करता हूं अपने माता पिता के अतिरिक्त, तो मैं कहूंगा मैं डॉक्टर स्वाति लोढ़ा का सम्मान सबसे ज्यादा करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं एक अनगढ़ सा गांव में रहने वाला लड़का था, बिल्कुल, जो बहुत ही अनगढ़ था, बिल्कुल रॉ था, और 28 अक्टूबर 1995 को पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात से लेकर आज तक मेरी तमाम खामियों, मेरी तमाम कमियों, मेरी तमाम लिमिटेशंस और सीमाओं के बावजूद उन्होंने आज तक कोई शिकायत मुझसे कभी नहीं की, किसी चीज़ को लेके कोई नैगिंग, टोकना कभी नहीं किया, कभी ये नहीं पूछा कि आप कब आएंगे या कब जाएंगे, कभी फ़ोन में ताका झांकी नहीं की कि आप क्या करते हैं, कभी ये नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। मैं सारे देश के पति पत्नियों को यही कहना चाहूँगा कि ऐसा ही कीजिए, आप यदि एक दूसरे को इतने विश्वास की डोर में बांधेंगे तो शायद जीवन में बहस, झगड़ा, कठिनाइयाँ, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। जिंदगी की राह में जब हम सफ़र चलते हैं तो कंकर भी आते हैं, पत्थर भी आते हैं, कांटे भी आते हैं, अब या तो उन्हें गालियाँ दे दीजिए या उन्हें मोहब्बत से एक तरफ सरका दीजिए, तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। और आइए मोहब्बत की बात चली है तो मैं उसे बुलाना चाहता हूँ जो मोहब्बत के शेर कहती है, अपने ख़ास अंदाज में कहती है, एक और बड़े पवित्र नगर अजमेर से हमारे बीच में वो आती हैं, नाम उनका सपना मूलचंदानी है। तो सपना जी, हम सारे ही लोग आपको सुनने के लिए बेताब हैं, और मैं जानता हूं कि आप ऐसा कुछ नहीं सुनाएंगी जो देवेंद्र नटखट और गौरव चौहान ने सुनाया है। जोरदार तालियों के साथ सपना मूलचंदानी। बहुत शुक्रिया शैलेश जी, नमस्ते। मुझे बहुत खुशी है कि इस मंच पर एक बार फिर हाजिर होकर, और ये मेरी खुश नसीबी है कि आज यहाँ मुख्य अतिथि डॉक्टर स्वाति लोढ़ा मौजूद हैं, जो कि एक बहुत ही मशहूर लेखिका तो हैं ही, लेकिन सुनती भी बहुत अच्छा है। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी अपने कुछ शेर
हाजिर करती हूँ। सुना, ख्वाब की रात से निकल आई, ख्वाब की रात से निकल आई, अपने जज्बात से निकल आई। वाह वाह, ख्वाब की रात से निकल आई, अपने जज्बात से निकल आई, अपने जज्बात से निकल आई, मेरे बस से निकल गए हालात, मेरे बस से निकल गए हालात, मैं भी हालात से निकल आई। हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और एक गजल से कुछ अशार देखें। और लड़की ने जब कहा चार लड़कों से आई लव यू, लड़की ने जब कहा चार लड़कों से आई लव यू, समझ में आ गया बाप के हाथ से निकल आए। जी सपना जी, कुछ और शेर देखते हैं कि जब तलक वो नजर नहीं आता, जब तलक वो नजर नहीं आता, दर्द दिल का उभर नहीं आता। वाह, जब तलक वो नजर नहीं आता, दर्द दिल का उभर नहीं आता, दर्द दिल का उभर नहीं आता, जिसके हिस्से में हो सफरनामे, जिसके हिस्से में हो सफरनामे, उसके हिस्से में घर नहीं आता। आए हाय, वाह वाह सपना वाह, बहुत बढ़िया। जिसके हिस्से में हो सफरनामे, उसके हिस्से में घर नहीं आता, उसके हिस्से में घर नहीं आता, ये मोहब्बत की एक खूबी है, ये मोहब्बत की एक खूबी है, ऐब कोई नजर नहीं आता। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। दोस्ती भी हो और रंजिश भी, दोस्ती भी हो और रंजिश भी, मुझको ऐसा हुनर नहीं आता। अरे वाह 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 वाह, क्यों करे वक्त इंतजार उसका, क्यों करे वक्त इंतजार उसका, जो कभी वक्त पर नहीं आता। हाय 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 हाय, क्या बात है। हाँ शुक्रिया। कोई भी दिल से जब उतर जाए, कोई भी दिल से जब उतर जाए, कोई भी दिल से जब उतर जाए, वो कभी लौट कर नहीं आए। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह। और कुछ शेर देखे, ये मेरी शक्लो सूरत से मत जान मुझको, मेरी शक्लो सूरत से मत जान मुझको, मेरे शेर से सिर्फ पहचान मुझको। वाह वाह, किसी और से इश्क करने लगा है, किसी और से इश्क करने लगा है, तो किस हक से कहता है तू जान मुझको। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, अच्छे सपना। तुझे फिर किसी से मोहब्बत हुई है, तुझे फिर किसी से मोहब्बत हुई है, तेरी बातें करती हैं हैरान मुझको। हाय हाय, तेरी मीठी बातें जरा सी तवज्जो, तेरी मीठी बातें जरा सी तवज्जो, तेरी मीठी बातें जरा सी तवज्जो, नहीं चाहिए तेरा एहसान मुझको। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह। मोहब्बत तो मुझको तेरी रूह से है, मोहब्बत तो मुझको तेरी रूह से है, नहीं देखनी है तेरी शान मुझको। आहा आहा, क्या बात है क्या बात है। तुझे मैंने उसकी जगह रख दिया है, बहुत अच्छा मिसरा है, तुझे मैंने उसकी जगह रख दिया है, तुझे मैंने उसकी जगह रख दिया है, माफी नहीं देगा भगवान मुझको। अरे वाह 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 सपना वाह। मोहब्बत में अब तक मरी तो नहीं हूँ, मोहब्बत में अब तक मरी तो नहीं हूँ, मोहब्बत में अब तक मरी तो नहीं हूँ, मगर अब तू जिंदा भी मत मान मुझको। अरे वाह 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 सपना वाह। सपना, मैंने पहले भी आपको सुना, और जिस दिन पहली बार सुना था उस दिन भी मैंने शैलेश को कहा था कि बहुत बहुत हर शेर सुनने लायक है और हर शेर के बाद वाह निकलती है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी शायरी, कमाल है, बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप यहाँ आए हमारे बीच में और हम यहाँ से इस कार्यक्रम को मुकाम तक ले जाएं तो हमारे लिए बेहतर होगा। हम स्वागत करें हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर स्वाति लोढ़ा का।
जी क्या कहना चाहती हैं आप? मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया, इतनी इज्जत अफजाई का शुक्रिया, और आप सबको सुनकर बहुत अच्छा लगा। बाद में बताइएगा कि बाकी सब कैसे रहा। खोना खो ना, पाना पा ना, जिंदगी इतनी सी हकीकत इतना सा फसा। क्या बात है, वाह। बस यही हमारी जिंदगी, और इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते बीतती जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है, डॉक्टर स्वाति लोढ़ा ने एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर बात कही। खोना खो ना, पाना पा ना, जिंदगी इतनी सी हकीकत इतना सा फसाना। और हम भी ये चाहते हैं कि कुछ चीजें हैं जिन्हें खोना बेहतर है। सारे गम खो दीजिए, उदासी खो दीजिए, परेशानियां खो दीजिए, कठिनाइयां खो दीजिए, खराब रिश्ते खो दीजिए, मुश्किलें खो दीजिए, निराशा खो दीजिए, अवसाद खो दीजिए, हर वो चीज खो दीजिए जो आपको परेशान करती है, और पाइए पाइए लोगों की मोहब्बत, पाइए लोगों का प्यार, पाइए ईश्वर का आशीर्वाद, पाइए फूलों से खुशबू, पाइए सूरज से रोशनी, पाइए चांद से चमक, पाइए नदियों से जल, पाइए उनकी कलकल, पाइए सारे दिलों में अपना कुछ ऐसी हलचल, पाइए लोगों के लबों पे आपका नाम, पाइए जिंदगी में कुछ ऐसा मुकाम पाइए। वाह भाई वाह। आइए